एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्ला शेख ने कहा है कि बल्दिया शर्की में पहले भी फराइज सर अंजाम दे चुका हूँ, कोशिश होगी कि जिला शर्की को बेहतरी की जानिब गामजन कर सकें, जबकि इस हवाले से हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। अफसरान दफ्तरी औकात कार की पाबंदी को यकीनी बनाएं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने चार्ज संभालने के बाद अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि टीम वर्क और बाहमी कोऑर्डिनेशन इंतहाई जरूरी है, टीम वर्क के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे, महकमा जात शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करें, जिसकी रिपोर्ट शिकायती मरकज को भेजी जाए। इन्होंने कहा कि तरक्याती कामों समेत दीगर बल्दियाती उमूर में बेहतरी लाने के लिए शफाफियत के अमल को तरजीह दी जाएगी। कोशिश करेंगे कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के साथ बल्दिया शर्की का हर काम शफाफियत पर मबनी हो। इस मौके पर महकमा जाती अफसरान ने इन्हें अपने अपने महकमा जात के हवाले से ब्रीफिंग देने के साथ साथ दरपेश मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर इन्होंने मौके पर हिदायत जारी करने के साथ कहा कि महकमा जात से इंफरादी तौर पर मीटिंग करके दरपेश मसाइल को दूर करने और बेहतरी लाने के इकदाम किए जाएंगे। इजलास में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास और दीगर भी मौजूद थे। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।